ले कोई कपड़े शपड़े लाओ, फटे फटे कपड़े यार, कोई कपड़े ला के दो, कोई जल्दी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, पैसे देगा मुझे। ओ भाई साहब कितना पड़ता है। फाइनली अभी 100-150 साल के बाद मौसम हुआ है साफ। जस्ट अपना कैमरा लेके आ गया हूँ छत पे तुम्हें मौसम का हाल चाल बताने। तो एज यू कैन सी मौसम पीछे देख रहे हो थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। अभी जा रहे हैं फिर व्लॉग बनाने के लिए क्योंकि मौसम इतने टाइम के बाद साफ हुआ है यार। सो अभी निकलेंगे भाई एक छोटा सा व्लॉग बनाने के लिए। पीछे से थोड़ी थोड़ी ना ऐसी धूप जैसी आ रही है। अडाप्टर वगैरह फिट करेंगे माइक में एंड देन वही वाला माइक बोया M1 का यूज करूंगा। अभी हल्का सा मौसम वगैरह का हाल चाल जानेंगे और सबसे पहले जाएंगे हमारे एक फ्रेंड की दुकान पे, कुछ एक वहाँ पे तुम्हें सरप्राइज दूंगा। ठीक है तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर से। तो सबसे पहले मैं तुम्हें गाड़ी के पास मिलता हूँ एंड हालत वाले दिखाता हूँ कि बारिश ने मेरी इस रेड डेविल की क्या हालत कर दी है भाई। तो फाइनली अभी रेड डेविल के पास पहुंचा हूं। एज यू कैन सी पूरी बारिश ने देखो क्या हालत ख़राब कर दी है। अब इसी पानी के ऊपर बैठना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा ना इसको ऐसे स्टार्ट करके रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोल्ड स्टार्ट करना चाहिए भाई चाहे आपके पास जो मर्ज़ी गाड़ी हो। एंड अभी मैं वही माइक यूज़ कर रहा हूँ बोया M1 का। तो आवाज़ देखते हैं भाई कैसी आ रही है आवाज़। एक फ्रेंड वेट कर रहा है मेरा बाहर, काफ़ी टाइम से अटका के रखा मैंने बोला भाई रुक उधरी आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ चाचा। हैप्पी इसका भी चैनल है द लॉस्ट बॉय जर्नी। ऐसा है भाई अभी लेने वाला बाइक तो टेस्टी है। बिरयानी खाने जा रहे हो? खाने नहीं जा रहे, घर पे बनी है। अच्छा हैंडमेड है, तो वहाँ कौन सी मशीन मेड बनती है? आज तक फार ये भी डालूंगा मैं व्लॉग में। ये मम्मा के हाथों की है। फाइनली मोशन भी आ गया हमारे सामने और कट मारता हुआ, क्या बात है। अभी मार, अभी रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चल ठीक है रिकॉर्ड करते हैं। अपना मोशन जो है हमें व्हीली दिखाने वाला बुलेट पे, मत कहीं गिर जाए मोहसिन, देख ले बेइज्जती ना हो जाए कहीं। वाओ वाओ, बस का एक ना एक दिन मोहसिन होगा। आया मोहसिन जोश में। ओ भाई साहब मान गए लौटने को, इसकी बिरयानी खाओ जाके, कल व्लॉग में आएगा देखना। और तो देखा तुमने यार यहाँ पे बुलटू पे व्हीलियाँ मारी जा रही है भाई। आई होप कि सब अच्छे से रिकॉर्ड हुआ हो एंड आवाज़ वगैरह भी क्लियर ही आ रही हो। तो जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था वो सरप्राइज़ ये रहा, यहाँ पे बन रही है भाई सीखे। तो अगर किसी को खानी है तो लोकेशन देख सकते हो आप, जहाँ से चढ़ाई ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पे सामने इनकी दुकान है। किसी को ही पूछना हमारे मुसावर भाई की दुकान कहाँ पे है, तो ये बड़ा अच्छा काम किया, वैसे भी हाथ ठंडे हो गए थे। क्या नहीं बताएगा? नहीं नहीं बताएंगे। और ये मामू जान बैठे तो करो ना, वो तेल शेल डाल के थोड़ा शिफा वाली सीखे, वो थोड़ा तेल शेल डाल के, वो आग वाला वो सिस्टम नहीं है वो जैसा बड़े बड़े होटलों में होता है। थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, हमने रोडों पे आग लगा दी थी जब सबूत मोल भी होते थे। हाँ कड़प है ना। हाँ पेट्रोल डाला बुलेट से निकाल के। अच्छा फिर इनको बोल इसमें डाला है, मैंने बोला आग लगा, इन्हें आग लगाई उस लगी पेट्रोल को, मेरे मुंह में पूरी रोड में पेट्रोल की राख की आग लगी थी, मेरे पे निशान है। हाँ ये रहना निशान। तो कैसा लगा आपको ये तूफानी सब करके? मजा आया। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ले कोई कपड़े शपड़े लाओ, कपड़े यार कपड़े ला के दो, कोई जल्दी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, पैसे देगा मुझे। तो किन किन गलियों से होके हमें गुजरना पड़ता है? यहाँ पे रेत था और रेत पर मेरा टायर स्लिप हो गया यार, मैंने हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया, गलत सिस्टम है, मैंने नहीं किया खुद यार, मैंने हल्का सा ऐसे पकड़ा ना, सड़क गीली है ना और रेत था काफ़ी, तो मेरा टायर स्किट हो गया, मैं खुद ही थोड़ा सा डर गया था। तो फाइनली अभी जा रहे हैं यहाँ से अमीन के घर एंड वहाँ से आगे व्लॉग करेंगे। आज हमारा जो अमीन भैया ना वो बताने वाले हैं कि फ़ोन से व्लॉग कैसे किया जाता है। ठीक हाँ अच्छा व्यू है। अभी निकलते हैं यहाँ से एक छोटा सा चक्कर मारने के लिए, काफ़ी दिनों से व्लॉग वगैरह किया नहीं था। फ्लैशर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार। मैं पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि इसमें ना दो मैं मिरर्स लगाऊँ जिनमें फ्लैशर लगे हों, इसमें हज़ार से बट फ्लैशर लगा के कुछ ज़्यादा वाला हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना स्कूटी में अगर बंदा मॉडिफिकेशंस वगैरह करता है ना तो वो कुछ ज़्यादा लगती है, ओवर लगता है। ठीक है जितना हम इसको सिंपल रखेंगे ना उतना सही रहेगा भाई। इतना मन कर रहा ना चाय और पकौड़े खाने का यार। लगा स्टैंड अंकल ने तीन बिठाए हुए हैं, स्टैंड ही ऊपर से जो है लगाया हुआ है भाई। ठंड इतनी ज़्यादा ना, इतनी ज़्यादा ठंड होगी ना क्या बताऊँ यार तुम्हें, शायद ये मौसम की वजह से हो गया। आज उम्मीद है कि ये मौसम वगैरह साफ हो जाएगा एंड ये परेशानी वगैरह नहीं करेगा इतनी ज़्यादा, लेकिन हाथ काफ़ी ठंडे हो गए यार। सोच रहा हूँ कि ग्लव्स वगैरह लगा लूँ बट फिलहाल अभी चलते हैं ऐसे। ओ भाई मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो भाई, तुम्हारे लड़ने के चक्कर में ना हमारा नुकसान हो सकता है। देखो यार काफ़ी सारे लड़के लोग ऐसे होते ना जो अभी कैमरा वगैरह नहीं ले सकते, वो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो अमीन भट्ट का चैनल जाके चेक करना, वो वीडियो डालने वाले काफ़ी जल्दी कि आप फ़ोन से कैसे व्लॉग्स वगैरह कर सकते हैं। ओ भाई किधर आ रहे हो यार, चाचा भी अजीब ही नशे करके बैठा हुआ है भाई, साइड से हमें निकलना पड़ेगा। एंड ऊपर से ना मैं तुम्हें एक व्यू दिखाऊंगा यार, कितना प्यारा व्यू दिखता है ना वहाँ से,
कैमरा तो और इसको हद से ज्यादा जस्टिफाई करके दिखाता ना यार। फाइनली यार अभी यहाँ पे आए थे एक छोटी रील शूट करने के लिए हम, एंड ये तुम देख रहे हो इसका ऑप्टिमस प्राइम कितना प्यारा लग रहा है और ये हजार्ड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रही अपनी भाई रेड डेविल, एंड एक साइड में यही वाला स्टिकर लगा हुआ है एंड दूसरे साइड में ये वाला मैंने रेड डेविल का बनाया था, बट ये उस दिन गिरी थी एज यू ऑल नो के क्या सीन हो गया था। सेटअप आज हमारे अमीन भाई गरीब हो गए, गरीबों का है सेटअप भाई। मजाक कर रहा हूँ यार, हमारे अमीन भाई जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना जो सब, तो जाके चैनल चेक करना, वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि फ़ोन से कैसे होती है व्लॉगिंग से नीचे। एंड जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था कि एक नीचे बड़ा सेक्सी सा व्यू दिखता है यार, वो व्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले तुम्हें हल्की हल्की ग्लिम्स इसकी दिख ही रही होंगी, बट नीचे से ना तुम्हें पूरा दिखेगा अच्छे से सही से। देखना 3 2 1 देख रहे हो भाई साहब, ये देखो व्यू यार, पूरा जम्मू दिख रहा ना यहाँ से, पूरा जम्मू यार। वो देखो वहाँ दूर तक सब नज़र आ रहा है यार, और ये एक्चुअली मौसम भी क्लियर हो गया ना बारिश की वजह से, तो धूल वगैरह जितनी डस्ट वगैरह थी सब कुछ क्लियर हो गया, इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। फ्यूल भी एम्प्टी हो गया यार, फ्यूल की वो कहाँ चलेगी भाई, फ्यूल एम्प्टी शो कर रहा है भाई, धोखा नहीं दे देना कहीं बीच रास्ते में बंद ना हो जाना। अभी ना मैंने पूरा अच्छे से कवर वगैरह किया हुआ अपना फेस वगैरह, बट हाथों की बैड बच गई है भाई, मतलब जल्दी ब्रेक्स वगैरह अप्लाई नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना तुम खुद से कंट्रोल कर सको गाड़ी को। बट ABS वाली सिस्टम जो होता है गाड़ियों में उसका अलग सीन होता है भाई, ABS गाड़ियों का वो हालांकि रुक जाती हैं। ओ इतने टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ भाई, क्योंकि बारिश हो रही थी यार, बारिश की वजह से व्लॉग भी काफ़ी टाइम से मैं अपलोड कर नहीं पाया। सोचो कोई बंदा तेज़ आए पीछे से एंड यहाँ पे ब्रेक सप्लाई करे, वो तो ख़त्म है भाई। उससे अभी अमीन के घर जाना कुछ छोटा सा काम है, यहाँ से जाएंगे भाई ऊपर। ओ भाई क्या बात है यार, चाचू हमारे बीच में ही खड़े हो गए हैं भाई, बस दुआ करता हूँ कि मौसम जो है जल्दी से साफ हो जाए। ओ भाई ये क्या है चलता फिरता रेस्टोरेंट, जब सर्दियाँ आती हैं तब मैं बोलता हूँ यार गर्मियाँ कब आएंगी, जब गर्मियाँ आती हैं तब मैं बोलता हूँ यार सर्दियाँ कब आएंगी, मतलब होता ना यार सबके साथ होता है ऐसा। ओ भाई आराम से चलो यार, तो अभी चल के ऊपर तुम्हें सीन दिखाता हूँ। फाइनली अभी मैं यहाँ छत पे खड़ा हूँ एंड यहाँ से व्यू देख रहे हो यार नीचे, कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है वो वहाँ से। थोड़ा थोड़ा मौसम साफ हो रहा है इस साइड से, बट इस साइड पूरा अभी यू नो बादल वादल। साइकिल चलानी है किसी को, इसकी साइकिल है आया गुस्सा से, खतरनाक साइकिल है भाई। ओ भाई साहब इसको चलाना भाई, बच्चों का खेल नहीं है, इसको टायर को हवा नहीं है। ओ भाई साहब यार इतना जोर लग रहा है ना टांगों में, क्या बताऊं तुम्हें। मैजिक दिखाते हैं, मैजिक दिखाए, ये क्या बात है। आपने साइकिल पे बैठना, फिर पैडल पे पाँव रखना एंड देन ये सोनू इधर वीली मार सकते हैं पैडल पे ये करके। ओ भाई मर गया था यार ये, अजान भी हो रही है यार, हम जैसे नलायक लड़के देखे कभी आपने। स्टॉप भी कैसे उठेगी इस पे, आप उधर जाते हो।